के लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह को सुनने के लिए मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता समय से पहले ही पहुंच गए थे। भोपाल में हिंदी भवन में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। उधर दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाह ने संवाद शुरू किया और बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया। शाह ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें खुद पार्टी ने सबसे पहले बूथ प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी। हमारा चुनाव बूथ केंद्रित चुनाव होता है और आप सभी हर बूथ से आए हुए 5 कार्यकर्ता, मैं मानता हूं कि चुनाव जीतने की हमारी जो मशीनरी है उसकी रीढ़ की हड्डी हो। और मैं हमेशा जब बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तब थोड़ा भावुक भी रहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे पहला दायित्व अगर भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई मिला तो एक बूथ के इंचार्ज का मिला। बूथ विजय अभियान के तहत संवाद कर रहे अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, प्रचंड जीत चाहिए, इसलिए पूरा जोर लगा दें। लक्ष्य जीतने का नहीं है, जीतने का मार्जिन इतना बड़ा हो कि विरोधियों के दिल काउंटिंग के दिल दहल जाए, इतनी प्रचंड विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगना होगा, एक मुश्त होकर लगना।